हाँ, तो ये बीपीएच हो गया यानी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, हेमोराइड्स यानी कि पाइल्स, ठीक है, ज्यादा जो चाय पीता है टी, ठीक है, जो ज्यादा चाय पीता है उसको भी होता है, जो तंबाकू खाता है, ठीक है, देख लीजिए आप उन लोगों को जो तंबाकू खाता है, ठीक है, वो सबसे पहले सुबह सुबह होगा दूसरे को खैनी मांगे समझे ना, जब खैनी उसको नहीं मिलेगा तो दूसरे को ताक ताक रहेगा, कौन है जो उसको मांगे खैनी मांगे, ठीक है, क्योंकि उसको पैखाना करना होता है और वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार किसको बोले भाई जो मिलेगा मेरे को, ठीक है, तब जो है सो हम जा करके बाथरूम जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बीमारी पाने से बढ़िया है कि आप तंबाकू को छोड़ दीजिए, तंबाकू को क्रैश आउट कर दीजिए, तंबाकू को छोड़ दीजिए। हाँ, अब रही बात टी, चाय में क्या होता है, आप तो क्वेश्चन कर देंगे मेरे को, ठीक है हम तंबाकू छोड़ दें, लेकिन चाय पीता है उसको कैसे होता है, ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है भाई, जो चाय होता है ना उस चाय में भी आपका निकोटीन पाया जाता है और उस निकोटीन के कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कभी ऐसा होता है किसी किसी को कफ सिरप से, कफ सिरप है ना, ये कफ सिरप से लोगों को क्या होता है आदत बन जाता है, कफ सिरप पिएगा सो जाएगा, किसी किसी कफ सिरप पी करके उसको मतलब